Assalamualaikum viewers, मेरा नाम है अरफात और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल Sun Overseas Company। फ्रेंड्स, आज मैं मौजूद हूँ हिमालयन पिंक सॉल्ट ब्रिक्स और हिमालयन पिंक सॉल्ट की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान से इंटरनेशनली एक्सपोर्ट की जाती हैं, उनके ऑफिस यानी कि सन ओवरसीज कंपनी के ऑफिस में। और आज हम यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने जा रहे हैं कि हमने जो हिमालयन पिंक सॉल्ट ब्रिक्स से वॉल बनाई है वो किस तरीके से वॉल बनाई गई है, और स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो के अंदर सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आपको एक बात और यहाँ पे बताना चलूँ कि हिमालयन पिंक सॉल्ट जो कि पाकिस्तान से सन ओवरसीज कंपनी दुनिया भर में एक्सपोर्ट करती है, अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी कंट्री के अंदर या इंटरनेशनली कहीं पे भी हिमालयन पिंक सॉल्ट के ब्रिक्स या उसके दीगर आर्टिकल्स, लैम्प्स, एडिबल सॉल्ट, एनिमल लेक सॉल्ट और बहुत कुछ अगर अपनी कंट्रीज में इम्पोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जीमेल हमारी ईमेल एड्रेस आईडी और हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं और हमसे इंक्वायरी जनरेट कीजिए। हम आपको उसके रेट्स और इंक्वायरी और एक्सपोर्ट करके सीएनएफ या एफओबी रेट्स के साथ आपको प्रोवाइड करेंगे। तीसरी बात मैं यहाँ पे आपको एक और बताता चलूँ कि आज इस वीडियो को बनाने का बेसिक मकसद ये है कि हम आपको वो अवेयरनेस देना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि हिमालयन पिंक सॉल्ट की वॉल किस तरीके से कंस्ट्रक्ट की जाती है, इसको हम किस तरीके से बनाते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर आप ये देख सकेंगे कि हिमालयन पिंक सॉल्ट की वॉल किस तरह से बनती है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो।
जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स इसके हवाले से देना चाहता हूँ कि ये जो हिमालयन पिंक सॉल्ट की ब्रिक्स की जो वॉल बनती है, इसमें हमें कुछ चीजों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि जहां पे भी हम इस वॉल को बिल्ड करने जा रहे हैं या कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, वहां पे जो मॉइस्चराइज लेवल है उसको प्रॉपर तरीके से आपने मेजर करना होगा। दूसरी बात ये कि इस हिमालयन सॉल्ट ब्रिक्स की जो वॉल्स के हवाले से आपको डायमेंशंस चाहिए होती हैं, वो ऐसी डायमेंशंस जहां पे आपका वेंटिलेशन आसानी से हो, तो वहां पे ये वॉल जो है वो मेल्ट नहीं होगी। दूसरी एक और बात यहां पे इंपॉर्टेंट ये है, खास ख्याल रखें कि जो एयर स्पेस है वॉल के साथ, यानी कि जो दीवार आपके साथ है या फिर कोई भी ऐसा पोर्शन है जहाँ पे आप इस वॉल को खड़ा कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, तो वहाँ पे हवा का जो क्रॉस है वो प्रॉपर थोड़ी सी जगह आपने छोड़नी है, क्योंकि पीछे जो लाइट्स लगी होती हैं वहाँ पे उसका डिस्टेंस उस पर मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारी आने वाली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली तमाम वीडियोस के अंदर मैं मजीद बताऊंगा कि हम इस हिमालयन सॉल्ट की वॉल्स को किस तरीके से मजीद कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर आप लोग भी हिमालयन पिंक सॉल्ट की ब्रिक्स इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट हिमालयन पिंक सॉल्ट ब्रिक्स, सो फील फ्री कॉन्टेक्ट अस, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स मिल जाएंगी, आप वहाँ से हमसे रब्ता कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल का भी बहुत ख्याल रखिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा जो लोग भी इंपोर्ट करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।